In Allah's name, the self-sufficient, the self-subsisting. May the cascade of blessings and bounties be on our noblest and the eternally blessed chief, Hazrat Muhammad, peace and blessings be upon him. I'm Professor Azam Hussain, and today we gonna learn a poem, A Sindhi Woman. It is a poem, beautiful poem, and it has been taken from the first year textbook of English, and this is the sixth poem. The poet has depicted or highlighted the characteristics and qualities, beauty of a Sindhi woman. He says that barefoot mean without shoes or without slipper or without having shoes, and through the bazaar, through the market. So in Urdu we can say, shair kehta hai ke ek aurat hai, uske paon mein jooti nahi hai, nange paon bazaar mein se guzar rahi hai, and with the same undulant bhi hai aur undulant bhi hai, and with the same undulant or undulant grace. Shair kehta hai ke iske bawajood ke uske paon mein jooti nahi hai aur usi लहराती हुई चाल के साथ जो है वो बाजार में से गुजर रही है, उसे इस बात की परवाह नहीं है कि मेरे पांव में जूती नहीं है, लेकिन उसकी चाल में अभी भी ग्रेस है. अनड्यूलेंट मीन लहराती हुई, मूव लाइक मोशन, और विद एलिगेंस, विद ग्रेस, जबकि हवा उसके चेहरे से आंचल हटाती है. अब शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार, उसने अपने सर पे एक जार भी रखा हुआ है, मर्तबान, वो पत्थर के मर्तबान के साथ रवानी से चलती है. ग्लाइड का मतलब है रवानी से चलना. हाई ऑन हर हेड, वो जो मर्तबान रखा हुआ है, पत्थर का मर्तबान अपने सर से बुलंद रखे हुए है, यानी सर के ऊपर रखे हुए है. एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड का मतलब ये है कि उसकी चाल जो है वो बड़ी स्मूद है और उसकी चाल में कोई लड़खड़ाहट भी नहीं है, यानी बारवकार तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से वो चल रही है. वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, यानी शायर कहता है कि मैं उसे देख रहा हूँ और उसके तन को कि वो सीधी चल रही है, या चलते हुए मतलब उसे देख रहा हूँ मैं. एंड स्टोन गार्बेजेस या स्टोन गार्बेज एक्सक्रीमेंट, गार्बेज के बाद कॉमा ऐड कर लीजिएगा, गार्बेज एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स, ये मीनिंग है इसके कि इरेक्ट सीधा है. यहाँ पर दूसरे माने जो गार्बेज के हैं वो वेस्टेज है, रबिश चीज़ें हैं, और डेब्रीज भी हो सकते हैं, जंक भी हैं. फिर उसके बाद आप एक्सक्रीमेंट को लेंगे, एक्सक्रीमेंट फुजला है, वेस्ट है, और डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी है, डंग भी है, डंग केक जो है ओपले को कहते हैं. और इसी तरह क्रम्स, क्रम्स क्या हैं, टुकड़े हैं, छोटे छोटे, इसमें बी साइलेंट है, क्रम आएगा, क्रम्स, वो स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई फ्रूट है, या ग्लास के हैं, जो भी मतलब. ऑफ ग्लास इन द कराची स्लम्स, स्लम्स वो आबादी है जहां पर मतलब डेवलपमेंट ना हो, गरीब लोगों के रहने की जगह है. तो मैं उसे देख रहा हूँ, पत्थरों में से गुजरती है, पत्थरों पर से गुजरती है, कूड़ा क्रिकेट जो है ना रास्ते में है, फुजले और टुकड़े चीज़ों के पड़े हुए हैं, पत्थरों, कूड़ा, क्रिकेट और फुजला और टुकड़ों पर से, और शीशे के यानी भी, कराची की तंग गलियों में से वो गुजरती है अपनी झुकी हुई चाल के साथ. आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, शायर कहता है झुकी सी चाल के साथ मैं सोचता हूँ. दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, वो लोग जो सीधे तन खड़े होते हैं, यानी उनकी कमर में खम नहीं होता, जो बोझ उठाकर भी चलना सीख लेते हैं, those who learn to walk beneath a weight, वजन के नीचे चलना सीखते हैं. मकसद आज की वीडियो का, जो आज के लेक्चर का ये है कि उन्होंने सिंधी वुमेन के बारे में कहा, तो आप किसी भी सूबे की या किसी भी कल्चर की, किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी नेशन की, किसी भी औरत को ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं, और ये वर्ड्स चेंज कर दें. उसने उसकी खूबसूरती की बात की है, जो भी बातें औरत से मुतालिक उसने की हैं उन्हें आप अपने लफ्ज़ों में बयान करें, और एक नई पोएम जो है ना
वो क्रिएट कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत आप क्रिएट कर सकते हैं, इससे भी बड़ी जो है ना क्रिएट कर सकते हैं, उसके बालों की तारीफ कर सकते हैं, उसकी आंखों की, उसके लिप्स की, उसकी चिन की और उसकी आईब्रो की और उसकी आईलैशेस की, मतलब लंबे बाल, सिल्की बाल हैं, स्मूथ वेवरी, जो भी आप किसी औरत के बारे में कुछ कहना चाहते हैं अच्छी तरह से इसी मतलब पोइम को सामने रखकर आप करें। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू। दिस इज द थीम एंड यू शुड रीड इट। द पोएट रियलिस्टिकली पोर्ट्रेट अ स्ट्रॉन्ग विजिलेंट बेयरफुट वर्किंग वुमेन वॉकिंग ग्रेसफुली एंड ऑल दो शी वॉज लिविंग इन द स्लम एरिया of Karachi, yet her work brought rhythm in her life. Thanks a lot. ये नज़म ज़रूर लिखिएगा और फिर मुझे सेंड भी कीजिएगा कि मैंने ये लिखी है। थैंक्स अ लॉट जी एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू।